इंडियन गैस का कैप्सूल टैंकर अनियंत्रित होकर वह चालक की लापरवाही से पलट गया। पूरी घटना रामलीला ग्राउंड के पास थाना बेवर की है। सूचना मिलते ही मौके पर फायर सर्विस अधिकारी मनु शर्मा और एसडीएम पीसीआरएम मौके पर पहुंचे और उन्होंने टैंकर को अपने कब्जे में लिया। बताया जा रहा है कि इस टैंकर में लगभग 18 टन गैस भरी हुई थी। झील में फिर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना स्थल पर कई फायर सर्विस की गाड़ियां पहुंचाई गई और सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए मौके पर पानी की व्यवस्था की गई। मैनपुरी से सुधीर मिश्रा के साथ देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सादा सिंपल जगह पर टैंकर ना पलटा था सर, ये बताओ कोई जान बुझ के कोई बताओ हमें कौन चीजें बताओ। तो तुमने नशा कौन सो को मुझे बताओ। मैं गुटखा खाया था सर। केवल गुटखा से नशा तो यू टैंकर पलट गया सर। ये बताओ कि 17 रात में जो है शाहजहांपुर में इतना जाम लग गया, मैं 1:30 बजे रात तक। नशा बताओ नशा कौन सो कर। मैं गुटखा और बीड़ी सुरती तम्बाकू ही खाता हूँ। अच्छा, और नाम क्या है तुम्हारा? मिथिलेश। मिथिलेश कहाँ से आए हो? हाँ। कहाँ से लाए हो टैंकर? रामनगर से आ रहा हूँ। रामनगर से बार बताया। रामनगर से टैंकर क्या क्या स्थिति रही? नहीं, लीकेज वगैरह नहीं है। एलपीजी टैंकर पलटा है जिसकी सूचना मिली है और ये जीटी रोड पर है, बट इसमें लीकेज नहीं है, चेक करवा लिया है। हालांकि हम लोग स्टैंड बाय पे हैं और बैरिकेड दिया हुआ एरिया को और सावधानी बरती जा रही है। प्लांट से सेफ्टी टीम आ रही है, उसका इंतजार किया जा रहा है जिससे कि इसका गाड़ी का सामान माल जो है वो दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करके फिर इसको उठाया जाएगा, समय लगेगा। अच्छा, क्या क्या कारण रहा इसे पलटने का? कारण तो पता नहीं, ड्राइवर बताता है कि कुछ बैलेंस आउट हो गया था गाड़ी का, उसकी वजह से थोड़ा गिर गई। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे ड्राइवर कुछ नशे में। नहीं जा सकता। कब की घटना है ये? ये अभी 1 घंटे पहले की। आप देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी।